हाय एवरीवन, आज मुझे जाना है कोलाबा। वहीं के लिए रेडी हो रही थी तो मैंने देखा मेरे आईब्रोज मैंने बहुत दिन से सेट नहीं किया, फिर पहले वो किया तो सोचा फेस पैक भी अप्लाई कर लूं, उसके बाद मेकअप करूं। तो मैंने अयुगा का 5% कुमकुम आदि स्किन रेडियंस फेस वॉश यूज किया और उसके बाद मैंने फेस पैक लगाया। ये डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, आने वाले स्किन टोन को इवन करने के साथ स्किन को रेडियंट बनाएगा। सभी स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है ये। इसको 10 टू 15 मिनट्स रख के वॉश कर लूंगी। फिर मैं ये अयुगा का 10% कुमकुम आदि स्किन रेडियंस डे क्रीम अप्लाई करूंगी। इसमें सैफ्रॉन, लोटस एक्सट्रैक्ट, मुलेटी एंड सैंडलवुड जैसे 28 प्रीशियस हर्ब्स हैं। इसका SPF 30 है तो ये सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। ये भी डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के साथ स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड रेडियंट बनाएगा। इसको अप्लाई करने के बाद वी पोज योगा आसन करें कुछ इस तरह से। और फिर 10 सेकेंड्स के लिए ब्लो फिश पोज करें और ये दोनों आसन 10 टाइम्स जरूर रिपीट करना होता है। इनके बॉक्स के पीछे ना हर एक प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिया गया है कि कैसे इसे अप्लाई करना होता है। ये मुझे बहुत ही यूनिक लगा और अगर स्टेप समझ में ना आए, कोई डाउट हो आपको, तो आप ये कोड स्कैन करके देख सकते हैं स्टेप्स और समझ सकते हैं कि कैसे आपको एग्जैक्टली इसे अप्लाई करना है। अयुगा के प्रोडक्ट्स आपको फ्लिपकार्ट, Amazon एंड Nykaa पे भी मिल जाएंगे। क्रुएलिटी फ्री एंड सेफ है ये। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं तो अगर आपको ट्राई करना हो वहां से मंगवा सकते हैं और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड MISTY20 भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद रेडी होते होते मुझे बहुत लेट हो गया था, फिर हम लोग जल्दी जल्दी निकले वरना कोलाबा पहुंचने में मुझे बहुत ज्यादा लेट होता। आज घर से दो लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, मैं कोलाबा में और मेरी भाभी मॉल में। मेरी भाभी कभी कहीं अकेले गई नहीं है ना, तो इसलिए मेरी मम्मी उनके साथ जाएंगी कपड़े दिलाने मॉल में और मैं जाऊंगी कोलाबा। इन लोगों को मैंने कोलाबा भी चलने को बोला था पर मेरी भाभी को ज्यादा चलना नहीं पसंद है तो मेरी मम्मी ने बोला मॉल चलो, वहां से कर लेना तुम शॉपिंग। हम लोग 3 बजे के आसपास निकले तो इतनी धूप थी हमें ऑटो भी नहीं मिल रहा था। फिर एक ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला और वो भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने पता है हमसे पैसे भी नहीं लिए, फ्री में ही हमें पहुंचा दिया। मतलब मम्मी ने बहुत फोर्स किया एंड मैंने भी काफी फोर्स किया उनको कि नहीं भैया आप ले लो, पैसे ले लो, पर वो फिर वहां से चले गए। पता है ट्रेन में आज मैं 1 साल बाद आई हूँ। लास्ट जहाँ तक मुझे याद है मेरे भाई के शादी से पहले मैं और मेरी मम्मी गए थे लोकल ट्रेन में, किसी काम से गए थे कोलाबा, आई थिंक पोस्ट ऑफिस का काम था। तो ऑलमोस्ट मैं 1 ईयर बाद अब जा रही हूँ। यहाँ से कोलाबा जाने के लिए हमें 2 ट्रेन चेंज करना पड़ता है, डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं होती है। मम्मी और भाभी यहाँ उतर के मॉल जाएंगे और वहाँ वो लोग जाके शॉपिंग करने वाले हैं और मुझे अभी यहाँ से 1 आवर लगेगा कोलाबा पहुँचने में।
फिर 1 आवर बाद मैं CST पहुंची और वहां से पास था ब्यूटी पैलेस, तो पहले वहां गई और वहां बहुत सस्ते मिलते हैं सामान, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। फिर ब्यूटी पैलेस में शॉपिंग करने के बाद थोड़ा वहां के मार्केट में घूमी, कुछ ऐसा लेने की जरूरत तो नहीं थी, तो वहाँ एंड में एक गन्ने का जूस मिलता है, बहुत प्यास लगी थी तो मैंने वो पिया। और उसके ठीक सामने एक शॉप भी है, तो वहाँ कुछ कुछ ऐसे आइटम्स मिलते हैं, मैंने एक मग लिया है बस। और गन्ने का जूस पीने के बाद निकल पड़े कुलाबा की तरफ। रास्ते में एक जगह सूखा भेल मिलता है, एग्जैक्टली तो मुझे लोकेशन नहीं पता है, पर ये CST के और क्रॉफर्ड मार्केट के बीच में है, तो वहाँ हमने सूखा भेल खाया और वहीं पर ही मैंने 2-3 पैंट्स लिए हैं। फिर चलते चलते हम लोग CST वापस पहुंच गए और यहाँ से मैंने कैब लिया कुलाबा के लिए। इस बार मैं सोच के आई थी मैं बहुत कुछ लूंगी कुलाबा से, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मैंने ऑलरेडी कपड़े मिंत्रा से मंगवा रखे थे, तो यहाँ मैंने कपड़े ज्यादा नहीं लिए, थोड़े बहुत लिए हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से एक सैंडल यहाँ पसंद आई थी, पर उसका साइज ही नहीं था मेरा। एक छोटा साइज था और एक बड़ा साइज था, पर मेरा ही साइज नहीं था उस कलर में, तो मैंने वो नहीं लिया। अगर कंफर्टेबल नहीं हो सैंडल वगैरह पहनने में तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया उसे। यहाँ से मुझे एक पैंट पसंद आया, तो बार्गेनिंग करने के बाद वो 500 का पड़ा, मैंने ले लिया। फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, ब्राउन कलर का और काफी अच्छा है। और यहाँ मुझे 2-3 कुर्तियां भी पसंद आई, मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की, 1200 में 3 कुर्तियाँ लिया मैंने। बहुत ही प्यारी कुर्तियाँ हैं, मैं आप लोगों को घर चल के दिखाने वाली हूँ। यहाँ मार्केट में घूमते घूमते बहुत प्यास लगी थी और पानी का कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब ढूंढा नहीं हम लोगों ने, शॉपिंग करने में बिजी थे। तो फिर बीच में एक स्टोर दिखा, वहाँ हम लोग पानी पी ही रहे थे, तभी एक बहुत क्यूट सा डॉगी आया। ओह माय गॉड, क्या नेम है इसका? टाइगर। हाय टाइगर, और फिर हम लोग बाहर आ गए। और तो कुछ नहीं, ये स्पंजेस मुझे थोड़े अलग लग रहे थे एंड क्यूट भी, तो मैंने ये भी ले लिया। पहले मैं यहाँ से नेल पेंट्स लिया करती थी, पर इस बार मैंने नेल पेंट्स ऑलरेडी ब्यूटी पैलेस से ही ले लिया था, तो मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ ये स्पंजेस लिए हैं। पहले मैं ये मार्केट आती थी ना, तो 2-3 राउंड तो ज़रूर लगाती थी, पर आज इतना सामान ले लिया था कि कंधे की बैंड बच गई थी। एक ही राउंड में ऐसा लग रहा था कि बस अब चलो यहाँ से निकलो, तो यहाँ हमने सिर्फ एक ही राउंड लगाया और टैक्सी में बैठे फिर निकल गए। फिर वापस CST आ गए, यहाँ से मुझे ट्रेन लेना था और यहाँ से मैं 1 आवर बाद अपने लोकेशन पे पहुँची, पर यहाँ से फिर लेट नाइट ट्रेन्स नहीं होती हैं, तो ऑटो में जाना पड़ता है। और ये शेयरिंग ऑटो था, तो वो एग्जैक्ट घर पे नहीं, कहीं एक लोकेशन है वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मेरे पापा आ गए थे लेने और फिर मैं घर गई। बस फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई इसे कंटिन्यू करने की, तो मैंने इतना सारा सामान ले रखा है, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। कल मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सब दिखाने का मैं शूट कर सकूँ,
पहले मैंने सोचा कि ये सब मैं सेकेंड पार्ट में इंक्लूड करूँ, पर फिर मुझे लगता है बहुत लेट हो जाता। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैं आपको वो सब आइटम दिखाऊंगी जो मैंने ब्यूटी पैलेस से लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले ये, जिसके लिए मेन मैं ब्यूटी पैलेस में गई थी, वहां से ही मैं वैक्स एंड वैक्स स्ट्रिप्स लेती हूँ। मेरा वैक्स हीटर भी खराब हो गया था, तो वो भी मुझे चाहिए था, पर वहां मुझे कोई पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। मैं ऑनलाइन मंगवा लूंगी हीटर। तो मैंने दो चॉकलेट वैक्स लिया है और 6 स्ट्रिप्स लिए हैं। चॉकलेट वैक्स मुझे वहां पे 110 का एक मिला और स्ट्रिप्स 20 के एक मिले। फिर मैंने ये वेट वाइप्स एंड बहुत सारे नेल पेंट्स और ये सिंपल का माइसलर वाटर लिया है। ये ब्यूटी पैलेस में आई थिंक आप अगर थर्ड फ्लोर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलता है। जैसे कि इसका प्राइस है 425, तो ये मुझे वहाँ पे 200 समथिंग का मिला, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। इसका मुझे रियल प्राइस तो नहीं पता है, पर ये मुझे 210 का मिला एंड ये वेट वाइप्स मुझे आई थिंक 30 के मिले हैं। नेक्स्ट ये दोनों भी मैंने ब्यूटी पैलेस से ही लिया है और ये मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करता है और मुझे पर्सनली ये दोनों पसंद है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो क्रीम मत ट्राई करना, क्योंकि ये स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली बना देता है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 700 और वहाँ पे मुझे ये 20% ऑफ पे, मतलब 500 समथिंग का मिला और ये 666 है इसका ओरिजिनल प्राइस, बट ये भी मुझे वहाँ पे 20% ऑफ पे, मतलब आई थिंक 400 समथिंग का था, 490 और समथिंग। तो दोनों मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे थे तो मैंने ले लिया। नेक्स्ट मैंने ये फेस मास्क लिए हैं, तो ये वहाँ पे 3 उन्होंने 100 का आई थिंक कर रखा था, तो मैंने डिफरेंट ले लिए हैं। एक है रिच मॉइस्चर शीट मास्क एंड दूसरा है स्ट्रेस शीट मास्क एंड ये पॉल्यूशन प्रोटेक्ट शीट मास्क। तो अभी मेरे पास बहुत सारे शीट मास्क हो गए हैं। और लास्ट मैंने ब्यूटी पैलेस से ये वुडन कॉम्ब लिया है। पहले भी मैंने वुडन कॉम्ब वहीं से लिया था, जैसे मेरी पहले वाली वुडन कॉम्ब है उसके कंपैरिजन ये मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी। पहले मैंने वहां से 80 में लिया था और इस बार मुझे ये वहां पे 60 में मिला है। बस ये सारे आइटम थे ब्यूटी पैलेस के। फिर वहां से बाहर निकलने के बाद जो मार्केट है जहां मैंने गन्ने का जूस पिया था, वहां से मैंने ये मग लिया था। मतलब क्या सोच के लिया है मुझे भी नहीं पता है, तो ये मग लिया था मैंने और वहाँ पे 50 का मिला था ये। और भीड़ लेने के थोड़ी से डिस्टेंस पे ही, मतलब आप 2-4 कदम ही चलोगे ना तो वहाँ पे ये पैंट्स होते हैं, तो ये पैंट्स मैंने वहाँ से लिए हैं 3। वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है 120 का एक देते हैं, तो उनसे कोई बार्गेनिंग करने मतलब नहीं है। मैंने और भी उनमें ढूंढा पर यही 3 मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और 2 साइज में बड़े हैं तो मेरा भाई भी पहन सकता है और 1 साइज छोटा है बस, तो वो मैं ही पहन सकती हूँ सिर्फ। और वहाँ रास्ते में मुझे ये दोनों प्लांट्स भी अच्छे लगे, तो वो 150 का दे रहे थे तो मैंने दोनों उनसे ले लिया। और भी बहुत सारे थे वहाँ पर, मुझे ये दोनों ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कुलाबा से क्या क्या लिया है। ज़्यादा टेंशन मतलब ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, कुलाबा से मैंने थोड़े बहुत ही सामान लिए हैं, तो बोर नहीं होगी। जल्दी मैं दिखा दूंगी। तो सबसे पहले वहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर का पैंट लिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अभी पहन के नहीं देखा है, देखते हैं कैसा लगता है पहनने के बाद। और ये उन्होंने मुझे 500 में दिया था तो मैंने ले लिया, बार्गेनिंग करने के बाद वो 500 का था तो ठीक। ऐसा पैंट मैंने अर्बेनिक पे देखा हुआ था पर वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था, मुझे मतलब मिल ही नहीं रहा था, तो इसके कंपैरिजन अर्बेनिक पे तो काफ़ी महंगा है। ये ठीक है, सस्ते में काम चल गया मेरा। और इसके बाद मैंने लिया ये 3 कुर्तियाँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। डार्क ब्लू कलर की मेरे पास कभी कोई कुर्ती नहीं थी, पिंक भी नहीं थी, हालांकि येल्लो थी मेरे पास पहले। तो ऐसे तो मैं कुर्तियाँ इतना पहनती नहीं हूँ, पर कभी पूजा पाठ में या फिर कभी मंदिर वगैरह जाना होता है तो कुर्ती पहनने का मन करता है ना, इसलिए मैंने ये कुर्ती ले ली है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मेरी मम्मी को भी अच्छी लगी, मैंने पापा को दिखाया उनको भी अच्छी लगी और मेरी भाभी को भी ये पसंद आई, तो बेसिकली ये सबको अच्छी लगी। ये कह सकते हो मेरी चॉइस अच्छी है। तो अभी तक मैंने कुर्ती वगैरह या फिर मिंत्रा से लिया है और या तो फिर कुलाबा से लिया है। तो ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि कौन सी कुर्ती है, तो मुझे लगता है कि कुलाबा की है।
वहां से लेने पे बस यही होता है कि मुझे थोड़ा साइज इशू हो जाता है, बट ऑनलाइन में भी होता है तो कुछ कह नहीं सकते। और मुझे थोड़ा लूज कुर्ती वगैरह पसंद है, एकदम फिटिंग का नहीं, हल्का सा लूज हो तो वो मुझे अच्छी लगती है। बस लास्ट मैंने ये स्पंजेस लिए जो कि हम सिर्फ अपने आई मेकअप करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इससे मैं फाउंडेशन वगैरह अपना लगा सकती हूँ। ये उन्होंने 50 का दिया। तो ये सारी वो छोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने ब्यूटी पैलेस एंड कोलाबा से ली थी। बस एक चीज जो मैं नहीं ले पाई और जिसका मुझे थोड़ा बहुत दुख भी है, वो है वो सैंडल। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो अगर मिली तो ले लूंगी। और अब जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दोगे ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।